कोई बता सकता है मेरी और सिद्धू जी की पहली मीटिंग कब हुई? सिद्धू जी को नहीं मालूम? अब देखिए अजीब सी बात है, सिद्धू जी को नहीं मालूम मैं उनसे पहली बार कब मिला, कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, कितने साल हुए? 40 साल हुए राहुल गांधी की और नवजोत सिद्धू की मीटिंग हुई, और नवजोत सिद्धू को यह भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी से वो मिला। मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। राहुल गांधी डून स्कूल में था, आज संडे है, वो दिन भी संडे था। 8 बजे सुबह क्रिकेट का मैच था, यादवेंद्र पब्लिक स्कूल डून स्कूल में क्रिकेट खेलने आया था, याद है? राहुल गांधी फील्ड के बाहर बैठा था, डून स्कूल के पूरी की पूरी टीम, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग बॉलर, ओपनिंग बॉलर, बैट्समैन नहीं, बैट्समैन की बात बाद में आई, वो भी आपको बताऊंगा। ओपनिंग बॉलर, किसी ने मुझे कहा, मेरा दोस्त था, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये फास्ट बॉलर है। छह विकेट, 130 रन, डून स्कूल की पूरी टीम को लिटा दिया। उसके बाद आते हैं, 2-3 घंटे में डून स्कूल की टीम आउट हो गई। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैट्समैन, ये तो बॉलर था नहीं, ये बैट्समैन है। अच्छा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हां, 98 रन स्कोर करके चले गए। मतलब डून स्कूल की टीम को पता नहीं लगा क्या हुआ। मैंने उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहचाना कि इस व्यक्ति में, जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ति में परसिवियरेंस है, यह व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है। उसके बाद कमेंटेटर बने, उसके बाद कॉमेडियन बने, उसके बाद राजनेता बने। हर पॉलिटिशियन के पास, हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या, इमोशनल हो जाते तो हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास दूसरे भी हीरे हैं। झाकड़ जी, इनसे आप पंजाब की पॉलिटिक्स पर बने बात कीजिए, कोई भी सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं पंजाब की राजनीति के बने, सुपरफिशियल नहीं कि भैया हां इसने उसको काट दिया, ऐसे हो गया, उसने ये किया, ना, बंद कमरे में गहरी बात करेंगे। पंजाब की जो डीएनए है उसको समझते हैं, पंजाब के जो रिश्ते हैं, हिस्ट्री है, समझते हैं।
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिट्टू जी बैठे हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने डेवलप होते हुए देखा है, आशु जी, अब मैंने दो तीन नाम ले लिए, बहुत सारे नाम हैं, दिन भर लेता जाऊंगा, मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है लीडर को डेवलप करने का सिस्टम है, आस्ते 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 ये लीडर बनाता है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं, जितना मुझे पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिला, मैं कभी नहीं सीख सकता था बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के, हो ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति आसान चीज है, गलतफहमी में है। जैसे कभी कोई क्रिकेट खेलता है, कमेंटेटर बैठता है, कहता है भैया उसने वैसे क्यों नहीं मारा, उसने वैसे मारना था, उसने बॉल ऐसे फेंकनी थी, मगर अगर कमेंटेटर को आपने अंदर कर दिया तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा वो। तो कमेंटेटर बहुत हैं, मगर लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। चन्नी जी, बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा पापा क्या करते हैं? आप जानते हो चन्नी जी की कहानी आप जानते हो? चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब दिखाई देगा उसमें। चीफ मिनिस्टर बने, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, आपने नोट किया होगा पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है, आपको अहंकार दिखा? दिखा, मतलब एक अहंकार थोड़ा सा भी आपको दिखा ना? जनता के बीच में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए? सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है ना? नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं, वो नहीं करेंगे मदद। ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये गरीब की आवाज है, गरीब की सोच है। और ये पंजाब को, मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, ये पंजाब को बदलने आए हैं।
और मैं सिर्फ चन्नी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। सबसे सस्ती बिजली आज हिंदुस्तान में, आप जानते हो कौन से स्टेट में मिलती है? पंजाब। सिद्धू जी का विजन है 160 सर्विसेज सीधा डायरेक्ट आपके घर में, सर्टिफिकेट, नक्शे, जो भी आप बनवाना चाहते हो डायरेक्ट आपके घर में। मगर सबसे जरूरी बात क्या है, मैंने कल उत्तराखंड में बोला, हम पंजाब के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के गरीब लोगों के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए, कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी ज्यादा भी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं, हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है, कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चला जा सकता। पंजाब में अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सबके बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है, सबको हम एक साथ लेते हैं, नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है। तो यह फर्क है हम में और उनमें। मेरे लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, यह पंजाब का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए, मैं आपको स्टेट से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा,
और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है। ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए। और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा और पंजाब ने, सॉरी, पार्लियामेंट में मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में कहा कि देखिए दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट आपसे बात करें। धन्यवाद।